हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी ट्रीट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्लिपकार्ट से मेरा परचेस, या फ्लिपकार्ट से मैंने दो कुर्ते परचेस किए, या आप डेली वेयर पार्टी वेयर कह सकते हैं उन्हें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा पहला कुर्ता है और इसे मैंने ओरेलिया से परचेस किया है और ये काफ़ी ही ब्यूटीफुल कुर्ता लगा मुझे। इसकी MRP है 1699 की और ये मुझे 934 के प्राइस पे मिल गया था। और कुर्ते के साथ आपको मिलता है एक एक्स्ट्रा बटन भी, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पीस भी वो लोग दे देते हैं। बात करते हैं इस कुर्ते की, आप देख सकते हैं कुर्ते का आपको इस तरह का राउंड नेक दिया हुआ है और पूरे नेक के पार्ट पर आपको इस तरह की ये डार्क पिंक कलर की पाइपिंग पूरी नेक पर आपको दी गई है और छोटी सी एक स्लिट भी, आप कह सकते छोटी सी वी आप कह सकते हो, इस तरह का आपको आगे नेक पर दिया गया है। और अच्छी बात है कि नेक के पीछे भी आपको इस तरह की ये डार्क पिंक वाली पाइपिंग दी गई, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। ये पूरा विस्कोस मटेरियल का कपड़ा है जो ग्रीन कलर का है, पर ये काफ़ी अच्छा शाइनी लुक भी देता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। विस्कोस के कपड़े शाइनी होने के साथ भी काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, बिल्कुल भी चुभते नहीं। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ये पूरा दिया गया है, ये एकदम ब्रोकेट का या बनारसी टाइप का पूरा काम दिया गया है, मगर ये पूरा प्रिंटेड है, ये बिल्कुल भी वर्क करा हुआ नहीं है या वोवन काम नहीं है, ये पूरा आपको प्रिंटेड काम मिल जाएगा जो काफ़ी मुझे एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगा। ये पूरा फॉल प्रिंट वाला काम है जो पूरे कुर्ते पर आपको दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा दिखता है और काफ़ी स्मार्ट भी दिखता है। और ये आपको स्ट्रेट स्लिट कुर्ता मिल जाएगा और स्लिट के अंदर के साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह की डार्क पिंक वाली कुछ पाइपिंग आपको अंदर के साइड पर दी गई, और अगर आप कुर्ते को बाहर से देखेंगे तो एकदम हल्की सी ये पाइपिंग आपको दिखेंगी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और पिंक कलर होने से तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लुक भी पूरे कुर्ते पर आ रहा है, ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा दिखता है और ये कुर्ता तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखता है। और अगर आप देखोगे इसकी स्लीव्स आपको 3/4 मिल जाएगी और ये एकदम स्ट्रेट स्लीव्स है, और अगर आप स्लीव्स को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे स्लीव्स के साइड के ऊपर आपको इस तरह के बटनिंग का काम दिया गया है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा बटन आपको दिया गया था। ये देखिए बटन के बीच में आपको इस तरह के थोड़े थोड़े होल्स भी दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है, काफ़ी डिफरेंट लुक आता है। इस तरह की स्लीव्स मैंने एक्चुअली कभी पहना नहीं है मैंने, पर मुझे स्लीव्स का काम काफ़ी अच्छा लगा। पूरी स्लीव पर आपको वही फॉल प्रिंट वाला पूरा काम दिया गया है, तो स्लीव्स तो काफ़ी अच्छी दिखती है, स्पेशली इसका जो ये इस तरह का बटनिंग का काम है तो काफ़ी अलग और एलिगेंट बनाता है इस कुर्ते को। एकदम पार्टी ओकेजन्स के लिए आप पहन सकते हैं इसको, छोटे मोटे आपके घर में फंक्शंस हो उसके लिए तो एकदम परफेक्ट है ये कुर्ता। और ये इसका बैक साइड है कुर्ते का, जो पूरा आपको अगेन प्रिंटेड मिल जाता है, पीछे से पूरा कुर्ता प्लेन नहीं मिलता है, आपको पूरा प्रिंटेड मिलता है, तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और प्राइस भी इसका ओके रीजनेबल था, थोड़ा अगर सेल हो जाता तो इसका प्राइस थोड़ा कम भी हो जाएगा। अगर आपको पसंद है तो आप इसे ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ में आप देख सकते हैं किस तरह की पैंट्स हम टीम अप करके पहन सकते हैं, ये इस तरह की ये डल गोल्ड वाली पैंट है जो आप इसके नीचे पहन सकते हैं। मैंने इसीलिए इस कलर को चूज़ किया क्योंकि ये ग्रीनिश गोल्ड टाइप कलर है इसका, ग्रेश ग्रीन है, तो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट देगा एकदम। आप अगर आप गोल्डन पैंट पहनेंगे तो वो अच्छा लुक नहीं देगा आपको, और अगर आप चाहो तो आप इस तरह की डार्क पिंक कलर की पैंट्स भी इसके नीचे टीम अप करके पहन सकते हैं, ये देखिए इस तरह की, क्योंकि इसके अंदर अगेन आपको पाइपिंग तो वो पिंक कलर की दी गई और जो आपको फॉल प्रिंट के ऊपर भी अगेन पिंक कलर का काम है, तो पिंक कलर तो एकदम परफेक्टली जाएगा इसके साथ में, तो ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और आप चाहो तो इस तरह के पिंक कलर का दुपट्टा भी ले सकते हैं, तो पूरा आपका सेट बन जाएगा। तो ये कुर्ता सेट तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अगर आपका पिंक कलर का लेगिंग्स भी है तो वो भी ऑफकोर्स इसके साथ में चलेगा। तो ओवरऑल कुर्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है और काफ़ी एलिगेंट दिखता है। और आइए देखते हैं कुर्ता पहनने पर कैसा दिखता है। ये मेरा नेक्स्ट कुर्ता, ऐसे भी मैंने ओरेलिया से परचेस किया है और इसका लीवा मटेरियल है। इसकी MRP है 1199 की और ये मुझे मिला है 659 में, और काफ़ी अच्छे प्राइस पे ये कुर्ता मुझे मिल गया था।
ओरिल्ला के कुर्ते वैसे भी काफ़ी अच्छे रहते हैं और लीवा मटेरियल तो काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट रहता है। बात करते हैं इस कुर्ते के नेक की, तो आप देख सकते हो इस तरह का आपको राउंड नेक दिया हुआ है और पूरे नेक के पार्ट पर आपको अगेन गोल्डन कलर की यहाँ पर पाइपिंग दी गई है और नेक के पीछे के पार्ट पर भी गोल्डन पाइपिंग दी गई है और नेक का पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। आप देख सकते हैं इसके नेक के अंदर आपको सीक्वेंस की ये पूरी लेस दी गई है और साइड्स में भी नेक के पार्ट पर आपको सीक्वेंस का पूरा लेस का काम दिया गया, तो काफ़ी ब्यूटीफुल और एलिगेंट दिखता है नेक का पार्ट। उसके अंदर आपको इस तरह की ये प्रिंटिंग का काम मिल जाएगा और पूरे कुर्ते पर आप देख सकते हो बीच का जो कुर्ते का पार्ट है यहाँ पर आपको छोटी छोटी पत्तियों वाली इस तरह की ये प्रिंटिंग मिल जाएगी। ये भी अगेन ब्रोकेट की तरह दिखती है मगर ये ब्रोकेट नहीं है, ये प्रिंटेड, ये फॉल प्रिंटेड भी नहीं है, सिर्फ प्रिंटेड है ये। और साइड्स पर भी आप देखोगे इस तरह के आपको अलग सी गोल्डन प्रिंटिंग का काम दिया गया दोनों साइड्स पर कुर्ते का, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। कलर तो मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल लगा, एकदम स्ट्रॉबेरी पिंक कलर का ये कुर्ता है तो काफ़ी अच्छा दिखता है। और नीचे के साइड पर कुर्ते पर आपको बड़ी वाली ब्रोकेट का ये काम दिया गया है और अगेन ये भी प्रिंटेड है, तो पूरा कुर्ता आपको प्रिंटेड मिल जाएगा इसके अंदर। और ये भी स्ट्रेट स्लिट कुर्ता है, कुर्ता काफ़ी अच्छा लगता है, इसका मटेरियल तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है पहनने के लिए, मुझे इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी शाइनी भी मटेरियल, एकदम डल नहीं है, अच्छा शाइनी मटेरियल है। और ये इसकी स्लीव्स आपको मिल जाएगी जो थ्री क्वार्टर्ड है, स्लीव्स पर के एंड पर आप देख सकते हो इस तरह का आपको सीक्वेंस का दो लेस आपको दी गई है, तो स्लीव्स भी काफ़ी अच्छी दिखती है। और ये भी अगेन छोटे मोटे पार्टी फंक्शंस ओकेजन के लिए, घर के अंदर आपका कोई हो पार्टी उसके लिए तो एकदम परफेक्ट हो जाए कुर्ता। और मुझे ये कुर्ता काफ़ी अच्छा लगा है और वैसे ओरिल्ला का कुर्ता को ज़्यादा कुछ इशू होता नहीं है। और ये इसका बैक साइड है, बैक साइड भी अगेन आपको पूरा प्लेन मिल जाता है और बैक साइड के ऊपर आपको थोड़ा कुछ भी वर्क नहीं मिलता, पूरा प्लेन मिलता है। और आइए देखते हैं हम किस तरह की पैंट्स या लेगिंग्स के साथ में हम इसे टीम अप करके इस कुर्ते को पहन सकते हैं। मेरे पास इस तरह की ये गोल्डन पैंट है जो मैंने टेलर से सिलवाया है, ये आप कपड़ा लेके आप इसे सिलवा सकते हैं इस तरह का गोल्डन, और गोल्डन तो हमारे वार्डरोब में इस कलर का तो होना ही चाहिए हमें पैंट, क्योंकि काफ़ी सारे कुर्तों पर ये पैंट चल जाती है। और इसके अंदर जो आपको ये काम दिया गया है ये प्रिंटिंग का, ये भी अगेन गोल्डन है, तो इसके साथ में ये पैंट काफ़ी अच्छी लगेगी। पिंक कलर आप पहनोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, एकदम मोनोक्रोम हो जाएगा पर वो अच्छा दिखेगा नहीं, साथ में कॉन्ट्रास्टिंग इस तरह का गोल्डन वाली पैंट ही जाएगी, डल गोल्ड भी नहीं जाएगा, इसी तरह का आपको गोल्डन पैंट पहनना होगा तो आपका कुर्ते को बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और मुझे कुर्ता काफ़ी अच्छा लगा, इसका कम्फर्टेबल काफ़ी एक्चुअली मटेरियल है। और आइए देखते हैं कुर्ता पहनने पर कैसा दिखता है। आज के हॉल से मुझे दोनों कुर्ते काफ़ी अच्छे लगे हैं, ये ग्रीन वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसका लुक काफ़ी अच्छा है, स्पेशली उसकी स्लीव्स की वजह से, और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें बनारसी ब्रोकेड वाला लुक है और पार्टी ओकेजन्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको चाहे तो आप इसे ट्राई आउट कर सकते हैं। और पिंक वाला तो एकदम सिंपल है येट एलिगेंट है, अगर आपको चाहे तो आप उसे भी एक बार ट्राई आउट कीजिएगा। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।